हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं जो बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ उन बुक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। अक्सर उन किताबों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं लेकिन अगर हमें सिर्फ आंसर पता है तो कोई फायदा नहीं है जब तक हमें उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैट, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, डी यू जैट, आईपीयू, एसबीआई, एसएससी, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जिनको इस टॉपिक का बेसिक नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूं जिससे आप इस टॉपिक का बेसिक समझ लेना, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना। और इस वीडियो का भी मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ ए और बी ओ दो एलिमेंट्री एसेट के अंदर ए और बी ओ, तो आप क्या करते हो? इस हिस्से को भी कंसीडर करते हो, इस हिस्से को भी कंसीडर करते हो और इस हिस्से को भी कंसीडर करते हो। इसमें ए और बी का मतलब इन तीनों हिस्सों का सम है। इसे मैं और क्या बोलता हूं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब इन तीनों हिस्सों का सम हो गया। ये तो हमने बेसिक जो हमने किया उसमें भी पढ़ा हुआ है, तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जरूर देखना बेसिक वीडियो, उसके बाद ही आपने जरूर करना है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब तीन एलिमेंट वाला वेन डायग्राम आता था, याद करो मैंने सात हिस्से बताए थे, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो जब मैं ए और बी और सी कहता था, मेरा कहने का मतलब इन सातों हिस्सों का सम ही होता था, यानी कि उसको मैं ए यूनियन बी यूनियन सी भी कह देता था और मैं उसको क्या बोल देता था, ए और बी और सी। तो इसका मतलब जो सात हिस्से नजर आ रहे हैं इनका वैल्यूज का सम होता था। बोलो ये मैंने बेसिक में आप सबसे डिस्कस किया हुआ है या नहीं किया हुआ? किया हुआ है ना। अब एक छोटी सी बात और बताओ, अगर दिया हो ए बट नॉट बी और सी, बताओ इसका मतलब क्या होगा? शाबाश बताइए, मैं तब तक कलर चेंज करके बता देता हूं। ए तो है लेकिन बी और सी नहीं है, मतलब ए के अंदर से जो बी और सी का हिस्सा पास कर रहा है उसको नहीं लेना, यानी कि इसका मतलब हुआ ओनली ए। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? सिर्फ ए ही हुआ, इस बात का मतलब हुआ ओनली ए। अच्छा अगर मैं कह दूं बी बट नॉट ए और सी, बी बट नॉट ए और सी, इस बात का मतलब क्या होगा? ओनली बी। ये बेसिक समझ आया? ठीक है, अब अगले बेसिक की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगर मैं आपसे कह दूं ये तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं ए और बी बट नॉट सी, इस बात का मतलब बताइए। इस बात का मतलब ये है कि सी का सर्कल नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना है। तो सी का सर्कल तो ये आ गया, ये सारा तो सी का सर्कल है। इसको छोड़ के कितने हिस्से बचे? तीन हिस्से नहीं बचे? देखो मैं कलरिंग में दिखाता हूं आपको, एक ये हिस्सा, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, आइए 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 ये ले लेता हूँ, एक ये हिस्सा ओनली ये वाला है ना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा ओनली बी वाला, ओनली बी, ओनली ए एंड बी ओनली, ये हिस्सा क्या होता है ए एंड बी ओनली। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ए और बी बट नॉट सी, मतलब सी के सर्कल को भूल के बाकी जो तीन हिस्से बचे उनका सम। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, अगर ये आ जाए बी और सी बट नॉट ए, तो कौन से हिस्से कंसीडर करोगे? नॉट ए है ना, तो ए के सर्कल को भूल के ये तीन हिस्से ये वाले, एक दो और ये तीन, मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूं, एक ये वाला हिस्सा ओनली बी, ओनली सी वाला हिस्सा एंड बी एंड सी ओनली वाला हिस्सा, है जो कॉमन होता है लेकिन तीनों वाला छोड़ के। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी और सी बट नॉट ए। बट नॉट ए का मतलब ए का तो कोई भी हिस्सा नहीं लेना ना आपने, ये मतलब हुआ। बोलो अगर ये आपको बेसिक क्लियर हो गया तो ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद कोशिश कर लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को देख लेना, इसका सॉल्यूशन देख लेना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये करा दूंगा, ठीक है जी। क्लियर ऑल कर दूं मैं? आइए अब मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये लो
एक सर्कल मैंने ए का बनाया, मतलब 200 वोटर्स पे सर्वे हुआ और वो तीन कैंडिडेट्स के फेवर में वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे इसके बारे में कुछ डेटा हमारे पास आया। एक कैंडिडेट बी हो गया और एक कैंडिडेट सी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास तीनों के फेवर में कितने, ये वाला डेटा नहीं है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यही है, हाउ मेनी वोटर्स वर इन द फेवर ऑफ ऑल द थ्री कैंडिडेट्स। तो मैंने क्या किया, तीनों के फेवर में मैंने मान लिए एक्स कैंडिडेट, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़िए, 28 इन फेवर ऑफ बोथ ए एंड बी। अब मैंने आपको जो पहले वीडियो कराया हुआ आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ए एंड बी का मतलब ये पूरी लीफ होता है, इसकी वैल्यू 28 है, तो ये जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या हुई, ये वाली चीज क्या हुई, 28 माइनस एक्स हुई या नहीं हुई, बोलो। ये वाली स्टेटमेंट हमने कवर कर दी पहली। अभी दूसरी कवर करने से पहले तीसरी कवर करो, 42 इन फेवर ऑफ बी बट नॉट ए और सी। इसका मतलब ओनली बी की बात हो रही है, मैं आपको समझा चुका हूं। तो ओनली बी में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 42 आएगी। अब जाके आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, सेकंड स्टेटमेंट क्या है ये देखिए, 98 इन फेवर ऑफ ए और बी बट नॉट सी। ए और बी बट नॉट सी का मतलब ये तीन हिस्से, इनका सम 98 है, सी को छोड़ के ये जो तीन हिस्से बचे इनका सम 98 है, जिसमें से एक वैल्यू 42 है। तो 98 में से 42 माइनस कर दो तो बचा हुआ ये और ये 56 रह गया। अब 56 में से भी ये वाला हिस्सा भी माइनस कर दीजिए, 28 माइनस एक्स, 56 माइनस 28, 28 रह गया और माइनस और माइनस एक्स, तो क्या हो गया ये 28 प्लस एक्स। दोबारा से बता देता हूं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन तीन हिस्सों का सम 98 था। तो दो हिस्से तो मुझे पता थे, एक हिस्सा 28 माइनस एक्स और एक हिस्सा 42, ठीक है। तो 98 में से ये 42 भी माइनस कर दिया और ये 28 माइनस एक्स भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास रह गया 28 प्लस एक्स, कोई डाउट। अब चौथी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले पहले पांचवी पढ़ लीजिए, क्या है पांचवी स्टेटमेंट, 64 इन फेवर ऑफ सी बट नॉट ए और बी। तो इसका मतलब ओनली सी 64 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब 122 वाली लाइन पढ़िए, 122 इन फेवर ऑफ बी और सी बट नॉट ए, मतलब ए के सर्कल को भूल के ये जो तीन हिस्से हैं इनका सम 122 है, दो हिस्सों का सम तो क्या हुआ 64 प्लस 42, तो 106 हो गया, तो 106 हो गया और टोटल 122 है, तो 122 माइनस 106 कितना रह गया प्यारे बच्चों, 16। तो ये जो ये वैल्यू है ये 16 दी हुई है, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, 14 इन फेवर ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी। अगर ए एंड सी होता तो पूरी लीफ होती है ना ये वाली, लेकिन नॉट बी भी दिया हुआ है साथ में, तो इसका मतलब होता है ए एंड सी ओनली। इस कंडीशन का मतलब क्या है, सिर्फ ए एंड सी के ही कॉमन, तो ये वैल्यू डायरेक्ट 14 थी। इवन ध्यान से देखो ना, पांचवा क्वेश्चन भी यही है, अगर सिर्फ पांचवा क्वेश्चन होता तो एग्जाम में बिना वेन डायग्राम बनाए ही मैं आंसर लगा देता 14, ठीक है। चलिए, लेकिन पहले चार क्वेश्चन करने भी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन की तीनों के फेवर में कितने हैं, अब मैंने जो वीडियो पहले बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में जो आप देखोगे, इन सब का टोटल, ये जो सात हिस्से होते हैं इन सब का टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन सब का टोटल जो हमारा डेटा होता है वो यूनियन वाला डेटा होता है ना, तो वो हमें कितना दिया हुआ है, कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, 200 लोगों पे। तो इन सबको सिंपली ऐड कर दो, 28 प्लस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स प्लस 42 है ना, प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 16 ये वाला भी है ना, और क्या रह गया, ये 64 रह गया। ये सात तो हिस्सों को मैंने ऐड कर दिया, देखो एक हिस्सा 28 प्लस एक्स, एक हिस्सा 28 माइनस एक्स, एक हिस्सा 42, एक 14, एक एक्स, एक 16 और एक 64। इन सब का टोटल 200 है। अब जल्दी से सॉल्व करके बताइए, ये जो वैल्यूज हैं, एक तो एक्स से एक्स कट ही गया आपका, ठीक है, एक तो रह गया आपका एक्स, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज को, ये तो एक्स रह गया ना ये रहा, बाकी सबको ऐड कर लीजिए, 56 प्लस 42 कितना हुआ, 98 अभी अभी हुआ भी था, 98 प्लस
और तीन हो गया 112 और 16 हो गया आपका 128 और 64 हो गया 192। x प्लस 192 की वैल्यू 200 है, तो x की वैल्यू 200 माइनस 192 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 8 हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो अब इस वेन डायग्राम में x की वैल्यू 8 आ गई। मैं अब इरेज कर करके, या तो मैं यहाँ इरेज कर करके आपकी वैल्यूज लिखता जाता हूँ। ये मैंने इरेज किया और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या लगा दी प्यारे बच्चों, 8 लगा देता हूँ। ये लो x की वैल्यू 8, जो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि तीनों के फेवर में कितने थे, 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब पूरे वेन डायग्राम से सॉल्व करते जाओ। 28 माइनस x कितना हुआ, 20 हो गया ये वाला हिस्सा। मैं इरेजर से साफ साफ दिखा देता हूं आपको, तो यहां मैं क्या लिख दूं बेटा, 20 लिख देता हूं। ठीक है जी, और ये 42 तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये 16 भी ऑलरेडी, और क्या है 28 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आई है बेटा, x की वैल्यू तो क्या आई है, 8 आई है। तो इरेज करके तो मैंने लिख दिया 28 प्लस 8 कितना हुआ 36। अब वेन डायग्राम सॉल्व होने का मतलब क्या होता है, सातों हिस्सों की अलग अलग से वैल्यूज आ जाना। एक क्वेश्चन तो एक पहला हो गया तीनों के फेवर में 8 ही हमें दिख रहा है, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, अब बीच के तीन रह गए। हाउ मेनी वोटर्स वर इन द फेवर ऑफ ए इरिस्पेक्टिव ऑफ बी और सी। यहां पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो इस बात का मतलब ओनली ए समझते हैं, जबकि इस बात का मतलब ओनली ए नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि ए के फेवर में कितने हैं, चाहे उसमें बी भी आ जाए चाहे उसमें सी भी आ जाए, इरिस्पेक्टिव का मतलब ये है। ठीक है, तो ए के सर्कल में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 36 है, 14 है ना, 36 प्लस 14 कितना हुआ 50, प्लस 20 भी है और 8 भी है, कितना आ गया 78 आ गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 70। ठीक है जी, अब मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी। ए एंड बी होता तो पूरी लीफ होती, लेकिन नॉट सी भी है तो ये कॉमन वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ 20 रह जाएगा ये आंसर। ठीक है जी, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है आपको कई बार। इस क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का आंसर 20 हो गया। अब फोर्थ का आंसर बताइए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी वोटर्स वर इन द फेवर ऑफ ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब ओनली ओनली सारे ऐड कर लो, ए के फेवर में कितने हैं 36, ओनली ए के फेवर में, ओनली ए इज 36, ओनली सी इज 64, 64 प्लस 36 इज 100, एंड ओनली बी इज 42, 100 प्लस 42 इज 142। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों 142 हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये सेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है वो सेट देखा, सीधा सीधा 5-5 नंबर का, कैट में हर साल आ रहा है, बैंकिंग में, डीआई में हर साल आ रहा है। ठीक है, आईएम में जो अलग से 12th के बाद एंट्रेंस हो रहे हैं हर साल आ रहा है, सिम्बॉयसिस में हर साल आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मेरे सभी वीडियोस देख लेना सेट के। ठीक है जी, और एक नंबर है 9034064864, तो आप इनसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, अलग अलग क्वांट की, जीके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सारी पीडीएफ हम आपसे शेयर कर देंगे जो हमने बच्चों को दी हुई है। और कुछ पीडीएफ जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पेड या ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उनमें हम देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेक केयर।